सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, जूम लैपटॉप ऐप पे वर्चुअल बैकग्राउंड को यूज़ करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है, आप इमेज को एज ए वर्चुअल बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। सेकंड मेथड है, आप वीडियो को एज ए वर्चुअल बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड मेथड है, पीपीटी स्लाइड शो को आप एज ए वर्चुअल बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीपीटी स्लाइड शो को एज ए वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे यूज़ करना है। ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। सबसे पहले आपने ऐप में साइन इन करना है यूजर नेम पासवर्ड के साथ। एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन शो होगी होम, चैट, मीटिंग। अगर आपकी कोई मीटिंग स्केड्यूल है तो आप यहाँ पे क्लिक करके मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड दोस्तों, अगर आप पर्सनल मीटिंग के साथ मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हो तो आप न्यू मीटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीटिंग को स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके माइक्रोफोन को ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड अगर माइक्रोफोन की आपको प्रॉब्लम आई तो आप यहाँ पे क्लिक करके माइक्रोफोन को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप कैमरा को ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड अगर आपको कैमरा की कोई प्रॉब्लम आई तो आप यहाँ पे क्लिक करके कैमरा चेंज कर सकते हो, अगर आप मोर देन वन कैमरा यूज कर रहे हो अपने डिवाइस में। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है चूज वर्चुअल बैकग्राउंड की एंड चूज वीडियो फिल्टर की। चूज वर्चुअल बैकग्राउंड एंड वीडियो फिल्टर के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। दोस्तों, जैसे आप चूज वर्चुअल बैकग्राउंड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगी बैकग्राउंड चूज करने की। आप यहाँ पे क्लिक करके किसी बैकग्राउंड को चूज कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैंने इस बैकग्राउंड को चूज किया, उसके बाद आपने यहाँ क्रॉस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे बैकग्राउंड शो होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर आप किसी वीडियो को अपने लैपटॉप से या किसी इमेज को अपने लैपटॉप से इंसर्ट करना चाहते हो तो आपने यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करना है तो आप किसी भी इमेज को एज ए वर्चुअल बैकग्राउंड यूज कर सकते हो जो भी आपकी डिवाइस में अवेलेबल है। एंड अगर आप किसी वीडियो को वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके वर्चुअल बैकग्राउंड यूज कर सकते हो किसी भी वीडियो को। अभी यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को डिसेबल कर रहा हूँ। डिसेबल करने के बाद अभी हम देखने वाले हैं कि अगर आप किसी पावर पॉइंट स्लाइड को एज ए वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो तो कैसे करना है। उसके लिए आपने शेयर स्क्रीन पे क्लिक करना है। शेयर स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है पावर पॉइंट एज ए वर्चुअल बैकग्राउंड, आपने इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ डबल टैप करोगे तो आपने उस पावर पॉइंट की फाइल को चूज करना है जिसको आप एज ए वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं इस फाइल को चूज कर रहा हूँ। जैसे ही आप फाइल को यहाँ पे चूज करोगे तो थोड़ी देर तक फाइल अपलोड हो जाएगी। ये डिपेंड है फाइल का साइज कितना है, अगर फाइल का साइज ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। दोस्तों, अभी यहाँ पे मेरी 2 पिक्स शो हो रही हैं। अभी मैं इस पिक को यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ और अभी यहाँ पे मेरी पिक्चर स्टार्ट हो गई है। अगर आप स्लाइड को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्लाइड को चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे स्लाइड्स चेंज हो जाएंगी। एंड अगर आप अपनी पिक्चर को कहीं और मूव करवाना चाहते हो तो आप अपनी पिक्चर को कहीं और मूव करवा सकते हो। ऐसे अगर आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो तो आप पिक्चर का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो जो भी आपकी वीडियो शो हो रही है। तो इस टाइप से आप कहीं पे भी इसे मूव करवा सकते हो। अभी ये आपकी जो पिक्चर है वो लाइव पिक्चर होगी, ऐसे आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हो। इस टाइप से आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी आपकी स्लाइड्स हैं। एंड अगर आप कुछ इस टाइप से शो करना चाहते हो, किसी पॉइंट को टारगेट करना चाहते हो, किसी पॉइंट को दिखाना चाहते हो तो आप इस टाइप से इस पॉइंट को दिखा सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप प्रॉपरली उसे बता सकते हो। तो अगर आप किसी पॉइंट को फॉलो करना चाहते हो तो आपने यहाँ से फुल कर लेना है पिक्चर को, तो उसके बाद यह पॉइंट को शो कर पाओगे। जितने बॉर्डर है उतने साइज में आपके ये वीडियो शो होगी, उतने टाइप का आपकी फिंगर शो होगी, उसके बाहर आपकी फिंगर शो नहीं होगी। दोस्तों, इस टाइप से आप इन ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अगर आप स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करना चाहते हो तो आप यहाँ स्टॉप पे क्लिक करना है। स्टॉप पे क्लिक करके आप स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपकी जूम ऐप या किसी अदर एजुकेशन ऐप की कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके रिकमेंड कर अप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।